कायद नून लीग नवाज शरीफ ने पंजाब के आवाम के लिए बिजली की कीमत में बड़े रिलीफ का ऐलान कर दिया है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के साथ सहाफ़ी से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि पंजाब हुकूमत ने अगस्त और सितंबर के बिलों में रिलीफ देने का फैसला किया है। 500 यूनिट तक इस्तेमाल करने वालों को 14 रुपये फी यूनिट तक रिलीफ दिया जाएगा। पंजाब हुकूमत के मुख्तलिफ शोबों से 45 अरब रुपये निकाल कर आवाम को रिलीफ देंगे। शहबाज शरीफ भी बिजली कीमतों में कमी के लिए इकदाम करें। इसलिए इन्होंने अगस्त और सितंबर के महीनों में बिलों में फौरी रिलीफ फ्राहम करने की कोशिश की है और रिलीफ पैकेज प्रिपेयर किया इन्होंने, और वो रिलीफ जो है ये अपना देंगे, जो कि इंशाल्लाह 0 से 500 यूनिट कंज्यूम करने वाले जो लोग हैं, बिजली के बिलों में से 14 रुपए जो है वो कम करके बिजली के बिल तैयार किए जाएंगे और लोगों तक वो फिर दिया जाएगा, जो कि एक बहुत बड़ा रिलीफ है। इन्होंने अपने मुख्तलिफ शोबों से जो है वो अपने अखराजात को कम किया है। इन्होंने कटौतियाँ की हैं बहुत सारी जगहों पे, तरक्कियाती फंड्स को कम करके इस तरफ इन्होंने मुंतकिल किया है। और मैं जी बिल्कुल मैं यही कहना, 14 रुपए पर यूनिट बिजली के रेट को कम किया जाएगा। शाबाश मरियम, माशाल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए, बहुत अच्छी बात है। और ये जितना भी ये रिलीफ है जो हो सका है इन्होंने किया है। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में महंगाई के जिम्मेदार वही हैं जो आज जेल से बैठकर बढ़ चढ़कर बातें कर रहे हैं। बानी पीटीआई के दौर से ये काम शुरू हुआ, महंगाई के जिम्मेदार हम नहीं वही हैं। लाहौर में सहाफियों से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने तो आईएमएफ को खुदा हाफिज कह दिया था, दोबारा लाने वाले कौन हैं? जब से शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, मैं मुतवातर कह रहा हूं कि पाकिस्तान से महंगाई का ये तूफान खत्म करें, और ये हमने नहीं किया, ये करने वाले कोई और लोग हैं। मैं नाम ले लेता हूँ, मुझे कोई हार नहीं है, इमरान खान के ज़माने से ये सारा काम शुरू हुआ है। मैं तो आईएमएफ के साथ हाथ मिला के खुदा हाफिज़ कह दिया था, फिर आईएमएफ को दोबारा लाने वाले कौन हैं? वो चेहरे पहचाने मैं नहीं हूँ, ये नहीं है, शहबाज शरीफ नहीं है, वही हैं जो आज बढ़ चढ़ के जेल से बैठ के बातें कर रहे हैं, वो हैं जो दोबारा आईएमएफ को लेके आए। चंद जजों ने मुझे इसलिए निकाला कि मैंने अपने बेटे हसन नवाज से 10,000 दिरहम तनख्वाह नहीं ली, इसलिए मुझे निकाल दिया। अब मुझे बताएं कि आपको ये वजह समझ आती है कि इस पे एक वज़ीर आज़म को निकाला जा सकता है? इसलिए मैंने कहा था मुझे निकाला क्यों, मैं और आज भी कहता हूँ मुझे क्यों निकाला, ये दिन देखने के लिए जो आज हम सब देख रहे हैं। रहनुमा पीटीआई हमाद असर ने कहा है कि पीटीआई के दौर में बिजली 16 रुपए फी यूनिट थी। नवाज शरीफ के बयान पर रद्दअमल देते हुए हमाद असर ने कहा कि बिजली गुज़श्ता 2 साल में महंगी हुई और 2 साल से शहबाज शरीफ ही की हुकूमत है। आज साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब टीवी पर आए और उन्होंने अपने रवायती अंदाज में भोला भाला सी शक्ल बना के आवाम को एक बार फिर गुमराह करने की कोशिश की। आपने बिजली के बिलों पर बात की कि मेरे दौर में रेट ये था और अब रेट ये है। मियाँ साहब, आपको शायद याद नहीं कि ये इमरान खान के दौर से जब 16.5 रुपये एवरेज रेट था बिजली के यूनिट का और आज 60 से 70 रुपये पर वो जा चुका है, तो ये आपके पिछले 2 साल में गया है और उसकी वजह 2013 से 2018 यानी आपका वो दौर, उसके अंदर जो किए गए बिजली घरों के साथ महंगे तरीन सौदे थे जो बंद कमरों के अंदर किए गए, जिनके लिए कोई ओपन कंपेटिटिव बिडिंग नहीं की गई, जिनके ऊपर इम्पोर्टेड फ्यूल इस्तेमाल किया गया, ज़रूरत से ज़्यादा सौदे किए गए, आज ये जो बिजली के नर्ख बढ़ रहे हैं ये उसकी वजह से बढ़ रहे हैं। और आपको मैं ये भी याद दिलाता रहूं कि आपके दौर में ही, ये पिछला जो 2 साल है ये आपका ही दौर था ना, आपका भाई आपकी बेटी हुक्मरान है
तो ये आपका ही दौर हुआ, ये आपने साजिश करके दौर लिया, ये आपने डील करके दौड़, ये जो अपनी हुकूमत ली है अपने भाई के लिए, अपनी बेटी के लिए। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की जानिब से ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम के एजाज में तकरीब का अहतमाम किया गया। आर्मी ऑडिटोरियम में होने वाली तकरीब से खिताब में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि अरशद नदीम का कारनामा कौमी फ़खर है, कौम ने अरशद नदीम को उनके कारनामे के मुताबिक नवाजा है। अरशद नदीम ने अपने आज़म, इस्तेकामत और बेहतरीन कारकर्दगी के जज्बे के बायस ये तमगा जीता है। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने अपने खिताब में अरशद नदीम के आगाज से कामयाबी के हुसूल तक मुतासिरकुन सफर पर रोशनी डाली। गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का शुक्रिया अदा किया। आर्मी चीफ ने खिलाड़ियों के मुकम्मल सपोर्ट और उन्हें बाइख्तियार बनाने के आज़म का इदा भी किया। इस तकरीब में पेरिस ओलंपिक्स में हिस्सा लेने वाले कौमी दस्ते में शामिल खिलाड़ी, कौमी क्रिकेटर्स और साबिक स्पोर्ट्स लेजेंड्स भी शरीक हुए। स्क्वाश लेजेंड जहांगीर खान, इस्लाहुद्दीन शहबाज सीनियर, सुहेल अब्बास, मोहम्मद आसिफ और सामुल हक भी तकरीब में शरीक हुए। कायमा कमेटी बराए पावर की रुकन नौशीन इफ्तिखार ने इकबाल आफरीदी की जानिब से खातून के लिबास पर एतराज करने की मजम्मत की है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में नौशीन इफ्तिखार ने कहा कि किसी को भी खातून के लिबास पर एतराज करने का कोई हक नहीं है। मीटिंग का हिस्सा तो थी लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे थोड़ा पहले वहाँ से आना पड़ा दूसरी मीटिंग के सिलसिले में, लेकिन मेरे भी ये नॉलेज में आया है अगर इकबाल साहब ने ये बात उस खातून के लिए की है जो ऑफिसर आज कई की तरफ से आई नहीं थी, तो मैं कहूँगी कि ये PTI के लिए कोई नई बात नहीं है, क्योंकि इनके जो बानी है, रहनुमा है, आपको याद होगा कि एक रेप केस हुआ था मोटरवे पे कुछ एक डेढ़ साल पहले, उसमें उन्होंने खातून के उस मिसाब को उसको कंडेम नहीं किया, उन्होंने बात की कि खातून का लिबास कैसा था। तो बड़े ही अफसोस की बात है क्योंकि हर हल्के की आबादी में आधी जो खवातीन है वो वोटर, और अगर आप खवातीन के लिबास के ऊपर आप ये राय रखते हैं तो आपको कोई हक नहीं है कि आप एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की जो है वो आप उसके रिप्रेजेंटेटिव हों। आपको असूलन खुद इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अगर खवातीन के बगैर आप चाहते हैं कि ये मुल्क तरक्की करे, इसमें खवातीन का कोई अमली किरदार ना सियासत में हो ना ही उनका दफातर में अमली किरदार हो, तो फिर आप जो है ये अफसोसपुन आपके लिए है, ये हमारे लिए नहीं है। तो सबसे पहले तो ये फिर जो अपनी खवातीन है जो असेंबली में इनके साथ बैठी होती है, पहले तो उनको घरों में बिठाएं और उसके बाद जो है वो इस मुल्क की जो बाकी खवातीन है उनके लिबास पे ये गुफ्तगू करें। इनको शर्म आनी चाहिए ये बातें करते हुए। पीपल्स पार्टी की सेनेटर शहरी रहमान ने इकबाल आफरीदी के खातून के लिबास से मुतालिक बयान की मजम्मत की है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कि मैंने इकबाल आफरीदी को अपने रवैये पर माफ़ी मांगनी चाहिए, ये रवैया काबिल मजम्मत है और हरासानी के ज़मरे में आता है। तहरीक इंसाफ को अपने MNA से माफ़ी मंगवानी चाहिए, किसी को खातून के लिबास पर तबसरे करने का कोई हक नहीं है। मैं समझती हूँ ये काबिल मजम्मत है और इनको माफ़ी मांगनी चाहिए अपने रवैये पर। एक खातून, प्रोफेशनल खातून जो वहाँ आई थी कायमा कमेटी में इनवाइटेड थी अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में, तो उनको आप बजाय आप एनर्जी के इश्यूज पर कंसंट्रेट करें। आप बाहर आके उन्होंने खवातीन के लिबास के SOPs की डिमांड की है। दीदी ये नंबर वन ये रवैया ही बिल्कुल गलत है, ना सिर्फ काबिल मजम्मत है लेकिन हरासमेंट के जिम्मे में आता है। अगर मैं उस खातून की जगह होती तो मैं तो फौरी तौर पर कंप्लेन करती और इनसे माफी मंगवाती और इनको PTI को बल्कि इनसे माफी मंगवानी चाहिए। और इस तरह के रवैये पार्लियामान में, नेशनल असेंबली या सेनेट में बिल्कुल काबिल कबूल नहीं, उससे तो बहुत दूर, बल्कि ये एक इस तरह के रवैये की अकासी कर रहा है जिस पर वो समझते हैं कि खवातीन उनके बराबर ही नहीं है कि वो खड़े होके वहाँ उन पर उनके लिबास पर तकलीफ कर सकते हैं। तो ये आपको किसने हक दिया है कि आप आके बाहर किसी प्रोफेशनल खातून के लिबास पर तनकीद करें। रहनुमा MK मासी इसहाक ने इकबाल आफरीदी के बयान की मजम्मत करते हुए कहा है कि खवातीन अरकिया ने असेंबली इस शर्मनाक सोच और अमल की शदीद मजम्मत करती हैं। स्पीकर कौमी असेंबली अयाज सादिक नोटिस लेकर इकबाल आफरीदी की रुकनियत को मुअत्तल करें। PTI MNA इकबाल आफरीदी के खातून के लिबास से मुतालिक बयान पर तर्जुमान सिंध हुकूमत अरसलान इस्लाम शेख ने अपने रद्दअमल में कहा है कि इकबाल आफरीदी अपने अमल पर खातून से माजरत करें। तर्जुमान सिंध हुकूमत ने कहा कि हमारे माशरे में खवातीन को मुकम्मल आज़ादी हासिल है, इकबाल आफरीदी का एतराज समझ से बाहर है। साबिक सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर ने कहा कि PTI की जानब से चीफ जस्टिस काजी फ़ैज़ ईसा के फैसले को मजहबी हवाले से मतनाज़े बनाना काबिल मजम्मत है। ये इकदाम इसलिए भी अफसोसनाक है कि सब जानते हैं इस मामले पर हमारी तारीख क्या है। इक्तदार का खेल इतना तल्ख हो चुका है कि हम अपने हरीफ को गिराने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। टैक्सेस में इजाफे के खिलाफ इस्लामाबाद में सैलरी क्लास अलायंस का एहतजाजी मुजाहरा। जिनाए वेन्यू इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान इजाफी टैक्स वापस लेने का मुतालबा किया गया है।
जियो न्यूज़ की रिपोर्ट के बाद राशिद मिन्हास रोड पर टायर्स फाड़ने वाले नौकीले कै टायर्स हटा दिए गए हैं। मजीद जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अली इमरान सैयद से। अली इमरान, क्या इकदाम किया गया है इसके बाद? जी, ये इन्हें रिमूव कर दिया गया। हमारे रिपोर्ट जो कि ऑलमोस्ट वायरल हो गई थी सोशल मीडिया पे भी, हमारे अपने प्लेटफॉर्म पे भी, लेकिन ये मिलीनियम जाने वाले रोड से हटाए गए हैं, जबकि मिलीनियम से जो ड्रिग रोड है रेलवे स्टेशन, वहां जाने वाले ट्रैक पे ये मौजूद है, दारू सेहत वाले ट्रैक पे मौजूद है, तो शहर के कई इलाकों में अब भी ये मौजूद हैं, लेकिन उस पर्टिकुलर पॉइंट से जो कि नए लगाए गए थे, नोकीले थे, ईंट नुमा थे, वो जरूर हटा लिए गए हैं। बहुत शुक्रिया।